हेलो व्यूअर्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी का इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का सिलेबस बीए फाइनल सेमेस्टर फाइव जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम पास में ही है, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि सिलेबस में पेपर का पैटर्न क्या होगा वैसे भी बीए फाइनल का जो सिलेबस है इस बार एंटायरली चेंज हुआ है फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स तो इस पे हमारे सिलेबस में है सबसे पहले आर्म्स एंड द मैन बाई जी बी शो दे कॉम्पोजिशन एंड राइटिंग स्किल्स बाई ऑरियन ब्लैक स्वेन से हमें है प्रिस्क्राइब चैप्टर में से समरी राइटिंग लेटर राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग ईमेल राइटिंग देन बेसिक वर्कैप तो आई विल कम टू द टेस्टिंग पार्ट पेपर में आपके तीन यूनिट होंगे यूनिट वन जिसमें सबसे पहले नंबर वन The question shall comprise one essay-type question with internal choice, matlab do question honge jo aapka play hai Arms and the Man by Josh Bernard shaw usme उसका theme या कोई character या important scene या episode रोलोट। तो मेरे guess के according, अगर आप major character सारे कर लें, जैसे कि जो characters है Rana Petkov, Captain Blanchely, Sergius, Major Petkov, it will cover the, all the characters Luca as well as Nicola. Then the second thing is theme. Theme, there are two themes, one particular theme, and what all, second is all the themes are related to the play that can also be covered. And this answer will be of 300 words approximately. थ्री टू थ्री एंड हाफ पेजिस दैन द सेकेंड क्वेश्चन विल कम्प्राइज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम आर्म्स एंड द मैन आउट ऑफ दिस यू हैव टू इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन यू हैव टू अटैम्प्ट फोर क्वेश्चन आउट ऑफ सिक्स क्वेश्चन आपको छः में से चार करने होंगे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हमेशा टू द पॉइंट ही देना होता है तो इसमें फिफ्टी वर्ड्स आपने आंसर देना है फिफ्टी वर्ड्स लिखने हैं मीन्स अप्रॉक्सीमेटली फाइव टू सिक्स लाइन्स देन यूनिट टू विच इज़ कॉम्पोजिशन पार्ट जो जो कि आप कवर करोगे बुक में से कॉम्पोजिशन एंड राइटिंग स्किल्स बाय और प्लेक्सवैन सबसे पहले आपके पास राइटिंग समरी राइटिंग द कैंडिडेट हैव टू मेक अ समरी ऑफ गिवन पैसेज ऑफ अबाउट 300 हंड्रेड वर्ड्स आपको एक पैसेज दिया होगा अंदाज़ा तीन सौ शब्दों का उसमें से आपने समरी बनानी है उसका वन थर्ड शब्द जितने भी शब्द दिए हैं वन थर्ड उसके शब्द के वर्ड्स लाइक हंड्रेड वर्ड्स की प्लस सुटेबल टाइटल भी देना है आपने एट प्लस टू इज इक्वल टू टेन मीन्स एट मार्क्स आपके समरी बनाने के होंगे और टू मार्क्स आपके टाइटल देने के होंगे सेकेंड पार्ट समरी राइटिंग में कोई भी ऑप्शन नहीं आएगी एक ही पैरा उसी की समरी बनानी है उसी का टाइटल आपने देना है सेकेंड थिंग इज अगले पार्ट में आएगा आपको द कैंडिडेट शैल अटेम्प्ट वन ऑफ द गिवन टू लेटर्स विच शैल बी ऑफ पर्सनल नेचर पर्सनल लेटर्स मीन्स इनफॉर्मल लेटर्स मीन्स लेटर टू एनी फ्रेंड एनी रिलेटिव योर कजन जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं वो कवर होंगी इसमें से इंटरनल चॉइस आएगी वन ऑफ द गिवन टू लेटर्स दो लेटर्स आएंगे आपने एक करनी होगी इट विल ऑफ़ इट विल बी ऑफ टेन मार्क्स यूनिट थ्री यूनिट थ्री में तीन चीजें कवर हो रही हैं एंड दिस इज ऑफ मैक्सिमम मार्क्स सबसे ज्यादा नंबर का यूनिट थ्री है फिफ्थ क्वेश्चन विच विल बी कैंडिडेट शैल बी आस्ड टू प्रिपेर अ रिपोर्ट फ़ॉर न्यूज़ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन ठीक है आपने रिपोर्ट लिखनी है न्यूज़पेपर के लिए या मैगजीन के लिए विथ इंटरनल चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन आपको कुछ फैक्ट्स दिए गए होंगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपने रिपोर्ट लिखनी है फॉर द न्यूज़ और मैगजीन दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स गिवन ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग इन योर बुक इन दिन दैट बुक कॉम्पोजिशन राइटिंग स्किल्स वन इज अगर आप ऑफिशियल लिख रहे हो किसी भी अपने बैंक मैनेजर को लिख रहे हो बैंक अथॉरिटी को लिख रहे हो कंपनी की अथॉरिटी को लिख रहे हो दैट इज इन लेटर फॉर्मेट रिपोर्ट राइटिंग दैट इज़ इज मोस्ट रिवेबली ऑफ लेटर फॉर्मेट एक रिपोर्ट राइटिंग है जो न्यूज़ पेपर को लिखनी है आपने जिसमें डेट देन प्लेस देन प्रॉपर उसका जो रिपोर्ट देनी है कि वो इवेंट कब हुआ किसने ऑर्गेनाइज किया उसमें क्या मेन इवेंट थी उसका कंक्लूडिंग क्या निकला वो सारा आपने मेंशन करना है वो आप ध्यान से करोगे नेक्स्ट है बच्चे द कैंडिडेट्स शेल राइट एंड ई मेल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन ई मेल राइटिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आजकल हम अक्सर ही करते हैं ईमेल राइटिंग में ईमेल राइटिंग फिर दो तरह की है फॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मल जो हम किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं फॉर्मली लिख रहे हैं इनफॉर्मल हम किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं कज़न को लिख रहे हैं रिलेटिव को लिख रहे हैं ठीक है जी तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन राइटिंग द फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर में आप थोड़ा सा पर्सनल हो सकते हो तो इसमें भी बेटा वेन वी राइट practically we need not to mention the uh, senders email address we need not to mention the date we need not to mention the uh, day but when we are writing theoretically theoretical part hai nahi, apka toh? Toh, you have to mention senders address then receivers email then uh, you have to write exactly the day the date and time the candidate shall write an email नोट कीजिए यहाँ पे देर इज नो ऑल्टरनेट ओनली वन ई मेल विल बी देयर और आपको वही अटैम्प्ट करनी होगी मीन्स यू हैव टू कवर बोथ द ई मेल्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अच्छी तरह से देन नेक्स्ट पार्ट है बेटा द कैंडिडेट शेल यूज फिफ्टीन आउट ऑफ गिवन ट्वेंटी वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ हिज और ऑफ हर इज ऑन द वर्ड शेल बी फ्रॉम लिस्ट सी ऑफ कम्पोजिशन राइटिंग स्किल्स कॉम्पोजिशन राइटिंग स्किल्स में लिस्ट सी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आई विल ट्राई टू पुट इट इन द अनदर वीडियो वो सारे वर्ड्स आपने कवर करने हैं आपको वर्ड मीनिंग पता होगा तो ही आप उसका सन्टेस्ट बना पाओगे तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस जिसमें बहुत स्कोरिंग भी है आगे जाके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी आप जो इस उसमें आपकी वोकेबलरी में ये बहुत हेल्प करेंगी So, I think whatever the knowledge I have provided you will be sufficient. Thank you. All the best for your exam. Thank you. God bless you.